मुझे याद आया कि मैं यहाँ पर सेकेंड टाइम आया हूँ, फर्स्ट टाइम आया था एक लड़की के चक्कर में। हेलो दोस्तों, मरहबा, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर सलीम खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएसके व्लॉग्स। तो दो दिन से हमारी तबीयत थोड़ी खराब चल रही थी, बट अभी हम फुल ऑन एकदम मोटिवेटेड, एनर्जेटिक और फुल ऑन पावर में आपके सामने आपका एमएसके। सारा नेगेटिविटी सब खत्म, अभी सिर्फ फुल ऑन पॉजिटिव एनर्जी बह रही है हमारे जिस्म में हर जगह। वेल, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने नॉर्मल हेलमेट को एक स्पाई हेलमेट बना सकते हैं। ये है मेरा स्पाई हेलमेट, काफी सालों से इसने मेरा साथ दिया। स्पाई हेलमेट, मैं आपको इसका तात्पर्य बताता हूँ। स्पाई हेलमेट यानी कि आप जब रोड पे गाड़ी चलाते हैं तो रास्ते में जो भी गतिविधि होती है वो सब कैप्चर करता है, चाहे कोई पुलिस वाला कुछ करे या फिर सामने वाले की कोई गलती हो और ब्लेम मुझ पे डाला जा रहा है, तो वो सबके लिए स्पाई हेलमेट जरूरी है। ये तो चलो मैं थोड़ा मजाक कर रहा था आपको, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में जैसे साड़ी गार्ड कंपलसरी होता है बाइक में, वैसे एक हेलमेट में कैमरा और गाड़ी में डैश कैम कंपलसरी अगर हो जाए ना तो फिर मजा आ जाए। वेल, तो शुरू करते हैं हमारा ये घरेलू नुस्खा जिसमें आपको मैं बताऊंगा। घरेलू नुस्खा मतलब समझते हैं, होम मेड रेमेडी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक नॉर्मल हेलमेट को कैसे आप स्पाई हेलमेट बना सकते हैं। बाय द वे, ये मेरा नया हेलमेट है, स्ट्रीट प्राइम हेलमेट हेयर पिन, ब्लू व्हाइट कलर, रॉयल एनफील्ड। तो स्पाई हेलमेट को बनाने की प्रक्रिया में हमें कुछ सामग्री लगेगी, जिसमें हमें चाहिए होगा जे माउंट, एक माउंट होल्डर एंड बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, इसको हिंदी में कहेंगे हम बंधन, एक अटूट बंधन, प्यार का बंधन, और एक माका चाहिए होगा, एक हमें चाहिए होगा सैंड पेपर और कुछ फॉर्मूलाज। इसके अंदर सारे फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज लाइक अल्फा बीटा गामा डेल्टा साइन कॉस कॉसेक टैन कॉट, जितना भी मैंने पढ़ा हूँ वो सारे फॉर्मूला को यूज करके मैं आज इस हेलमेट को स्पाई हेलमेट बनाऊंगा। सो आर यू गाइस रेडी? अगर हम चाहें तो सिर्फ ये जो होल्डर है इसको यहाँ पर लगा के भी माउंट बना सकते हैं, बट उसमें ना प्रॉपर एंगल नहीं आता है और फिर क्या होता है कि हमें ना दो चार और ऐसे तंगड़ी जोड़नी पड़ती है और उसके बाद जाके फिर ये ऐसे लगता है। बेसिकली ये ऐसा हो जाता है और ऐसा बहुत अजीब सा लगता है, ऐसा केकड़ा माउंट लगता है और एंगल भी प्रॉपर आता नहीं है। मैं प्रेफर करता हूँ कि ये जो इतना सा पार्ट है इसमें एमसील लगा के उसका जो बेस है उसको ऊपर कर दो और एक जे माउंट में आपको प्रॉपर एंगल मिले। तो ये जो प्रक्रिया है थोड़ा सा लंबा है क्योंकि इस पे एमसील लगा के हमें थोड़ा वेट भी करना पड़ता है, तो पूरा का पूरा प्रक्रिया यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन हम एमसील कैसे लगाते हैं वो मैं आपको थोड़ा यहाँ पर बताना चाहूंगा। पहले तो हमें मार्क करना है कि जहाँ पर हमें अपना एमसील फिक्स करना है, तो इसके साइज का मैं एक यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ। तो बेसिकली मार्क करने के बाद में उतनी सी जगह को हम सैंड पेपर से थोड़ा सा रगड़ देंगे ताकि एमसील जब बैठे तो उसको ग्रिप मिले, बिकॉज अभी जो है ये सरफेस बहुत शाइनी है तो एमसील झटके से निकल सकता है। मेरा जो एरो का हेलमेट था उसमें यही सीन हुआ था। ये है मेरा एरो का हेलमेट, इसमें भी मैंने सेटअप बनाया था यहाँ पर, बट ये काफी शाइनी होने की वजह से एक झटका लगा और वो एमसील नीचे निकल गया, गायब भी हो जाता है अपने हाथ से। तो थोड़ा सा इसको रफ बनाएंगे ताकि झटके से निकले ना, काफी बारीकी वाला काम है, थोड़ा पेशेंसली करना पड़ता है। तो अभी बारी है जेम्स बॉन्ड की एमसी। तो आई गेस इसमें अभी दो डब्बे की जरूरत पड़ेगी, बेसिकली एक इसमें ब्लैक होता है और एक रेड होता है, दोनों को मिक्स करना होता है और मिक्स करने की प्रक्रिया भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देख रहे हैं सारा अल्फा बीटा गामा डेल्टा सब फॉर्मूला लगा के काम किया जा रहा है, जो बचपन में मैंने पढ़ा था अभी जाके यूज हो रहा है। सार्कास्टिक था, बहुत ज्यादा सार्कास्टिक था ये। तो ये हमारा गोला तैयार हो गया, अब इसको हम लगाएंगे सावधानी पूर्वक यहाँ पर, एक हम ग्रिप बनाएंगे ऐसे और इसको लगाएंगे ऐसे। अभी सिर्फ हमें वेट करना है इसके सूखने का, और ये जब सूख जाएगा बहुत कठोर हो जाएगा और हमारी तरह स्ट्रांग हो जाएगा, और जब ये स्ट्रांग हो जाएगा तो इस पर हम माउंट लगा के इसको स्पाई हेलमेट बना देंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, गुड मॉर्निंग। ये हमने जो बॉन्ड लगाया था अपने हेलमेट में, इसने बॉन्ड बना लिया हेलमेट से। अब इसमें जो इंस्टॉलेशन होता है
कैमरा कैसे लगाए, माइक कैसे लगाए, ये मैं आपको ऐसे राहों में चलते चलते बताऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं लेट हो रहा, मुझे जाना है एयरपोर्ट, लेकिन उससे पहले मुझे जाना है रवि भाई के पास अपना कार देने के लिए। चलते चलते, ये माइक में फिर से प्रॉब्लम हो गया है, बट वैसे मुंबई में बिन मौसम बरसात होती रहती है। जैसे MSK का व्लॉग कभी भी आता है, वैसे मौसम कभी भी बरसात हो रही है यहाँ पर। तो सुबह सुबह उठ के सबसे पहली बुरी खबर, माइक चल नहीं रहा है। ये जो हमारी पोलो है AKA राम प्यारी, इसको मैं तैयार कर रहा हूँ एक लॉन्ग राइड के लिए, लॉन्ग ड्राइव के लिए। राइड बाइक पे होती है ना, कार पे ड्राइव होती है, लॉन्ग ड्राइव के लिए इसको प्रिपेयर कर रहा हूँ। और एक नहीं दो, एक जो ड्राइव होगा वो होगा नॉर्थ वेस्ट साइड में, और एक लॉन्ग ड्राइव होगा साउथ साइड में। और बाकी आगे की बातें करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो टेक्निक मैं यूज़ कर रहा हूँ बात करते वक्त, इसे कहते हैं निंजा टेक्निक 2, जिसमें निगाहें कहीं और होती है और निशाना कहीं और चलाया जाता है, क्योंकि ऐसा मम्मी कहती है कि कार चलाते वक्त बात नहीं करनी का। तो हाँ, मैं यही कह रहा था कि इसमें थोड़ा कुछ काम है जो कि मुझे लगता है कि बना लेना चाहिए। जब लॉन्ग ड्राइव के लिए जाते हैं तो कार परफेक्ट होनी चाहिए, ऐसा पिताजी कहते हैं। आधी बातें मम्मी जी कहती हैं, आधी बातें पिताजी कहते हैं, और कुछ बातें MSK गुरु जी कहते हैं। तो और पहुंच के बता, अभी मैं हूँ गोरेगांव में और मेरे सामने हैं हमारे मैकेनिकल गुरु जी। आज काफ़ी काम होने वाला है MSK की गाड़ी पे, और इनको मैंने सारा का सारा प्रॉब्लम बताया। तो गुरु जी, सब समझ में आ गया है, ऑयल चेंज करेंगे, उसका अलाइनमेंट करेंगे, उसका हेडलाइट का एक इशू है उसको रिपेयर करेंगे, इनफैक्ट हेडलाइट ही चेंज होगा, ऑयल डालेंगे और अलाइनमेंट होगा, बैलेंसिंग होगा, टायर रोटेशन होगा, और बाकी छोटे मोटे जो लाइट्स वाइट्स है वो प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व करेंगे, गाड़ी को A1 करेंगे, जो चेक इंजन लाइट आ रहा था ना उसको भी हटा देंगे। मैं जब भी इनसे मिलता ना तो मुझे लगता है कि मेरी सारी समस्या का समाधान यहाँ पर ही है गुरुजी। समाधान सतयुग में है हम। अभी मुझे जाना है एयरपोर्ट, और हमारे गुरुजी हमें छोड़ देंगे एयरपोर्ट और मैं गाड़ी लेके आ जाऊंगा। हाँ, गाड़ी लेके आ जाएंगे। चलो ओके। मेरी जितनी भी गाड़ी खराब हुई है ना, वो चलाने की वजह से नहीं हुई है। अच्छा, सीट बेल्ट ये भी काम जरूरी है। देखो गाड़ी बंद है, गाड़ी बंद है, चालू होने की बाकी है, सीट बेल्ट पहन लिए है एज अ रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मेरी जितनी भी गाड़ी खराब हुई है वो रखे रखे हुई है। ये जो हेडलाइट वाला इशू हुआ था ना, ये मेरा भाई फैमिली को लेके जा रहा था समीर, और इसने कहीं पे तो चिटका दिया, और मैंने इसको फिर चिल्लाया कि भाई अब खर्चा बना के दे, तो कहीं गया, उसको 10,000 कुछ बोल रहा था, तो वो 2,000 में कहीं से काम निपटा जुगाड़ करके आ गया। अब जब हम अभी लॉन्ग ड्राइव के लिए जा रहे हैं तो तकलीफ होने वाली है। लाइट्स जो है, हेडलाइट्स वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विजिबिलिटी नाइट टाइम में उसी से होती है, प्रॉपर विजिबिलिटी, तो उसको वो भी अच्छा जरूरी है, और टायर भी जरूरी है। टायर तो नए हैं अपने, टायर तो नए हैं, टायर नए, वो भी कम्फर्ट वाले। चले हम फिदा जान तन साथी हो, साथी हो। अब तुम्हारे हवाले ये वतन वतन साथी हो, वतन है हमारा, ख्याल रखिएगा। नहीं डोंट वरी, इसका अभी सब मरम्मत अच्छे से करवा दिए इसके। और मैंने जो ऐसा लॉन्ग ड्राइव है उनका डिटेल इनको बताया है, तो अभी बहुत जबरदस्त व्लॉग आने वाले हैं। Instagram पे DM करके पूछ सकते हो, ये आपको नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, क्योंकि सीक्रेट है ना, सीक्रेट सीक्रेट खेलना जरूरी है। सस्पेंस सस्पेंस सस्पेंस। चलो चलो रवि भाई, चलो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। पहले पहले जब मैं एयरपोर्ट आता था ना तो काफ़ी एक्साइटमेंट होती थी, अभी ये सब जो प्रोसेस है ना बहुत पकता है यार। लो जी, पहुंच गए चेन्नई, चेन्नई एयरपोर्ट, फर्स्ट टाइम इन चेन्नई। अपनी ज़िंदगी में पहली बार मैं चेन्नई आया हूं, और मुझे लगता है कि ये जो फर्स्ट टाइम वाला वर्ड है ये काफ़ी बार रिपीट होगा, बिकॉज आने वाले सालों में, मतलब अगला साल, उसमें ट्रैवल प्लान्स बहुत हैं। तो फर्स्ट टाइम इन चेन्नई, चेन्नई एक्सप्रेस।
एक हमसे गलती से मिस्टेक हो गई है, चेन्नई मैं दूसरी बार आ रहा हूँ, जैसे मैं एयरपोर्ट के बाहर निकला ना तो मैंने ये देखा, ये अपोलो। मुझे याद आया कि मैं यहाँ पर सेकेंड टाइम आया हूँ, फर्स्ट टाइम आया था एक लड़की के चक्कर में, अब एक प्रोजेक्ट के चक्कर में आया हूँ। बताता हूँ, अभी मैंने एक इंस्टाग्राम के लिए फ़ोटो खींचा, तो ये हमारे अन्ना जी थे, इन्होंने खींचा और इनको मैंने अपना यूट्यूब चैनल बताया, तो इनको इंग्लिश समझ में आती है और तमिल नो हिंदी, क्या फ़ायदा मेरा। सुपर यूट्यूब चैनल सुपर। हाँ थैंक यू। तो आइए इस आधी अधूरी कहानी को पूरा करते हैं। आधी अधूरी कहानी स्पाई हेलमेट की। यह है हमारा हीरो 7, यह उसका कवर, जे माउंट, स्मार्ट लॉ प्लस माइक्रोफोन, लैवलियर माइक एंड उसका एक अडैप्टर, गोप्रो का अडैप्टर। बंधन काफी मजबूत है, फंसाना है हीरो 7 के अडैप्टर को, ये नीचू डालना है और ये जो इतने लंबे वायर हैं इसको यहाँ पर अंदर, ये जो इसके अंदर फंसाना है। हीरो 7 को अंदर डालना है, स्मार्ट लॉ प्लस का अडैप्टर है उसको यहाँ लगाएंगे एंड ये वाले वायर को कनेक्ट कर देंगे और इसको एक टेप की मदद से या फिर ऐसे कुछ यहाँ फंसाएंगे। दैट्स इट, अपना स्पाई हेलमेट AKA मोटो व्लॉगिंग हेलमेट तैयार है। एक प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ जो कि आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे या फिर इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मज़ेदार हमने इसे करंट सिचुएशन वाली बहुत सारी बातें करते रहते हैं, मज़ा आता है वहाँ पर, लाइव इंटरेक्शन होता है। तो इंस्टाग्राम बस आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ इट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम।